हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए हर रोज़ की तरह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फ़ोटो का पोस्टर बनाना चाहते हो, जी हां, अगर आप भी अपना एक पोस्टर खुद का बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से तैयार करोगे। जो कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे फ्लैक्स बोर्ड लगे होते हैं, आपने जानते हो अगर फ्लैक्स बोर्ड को, फ्लैक्सी बोर्ड जैसे होते हैं, अगर आप भी अपने आप खुद का फ्लैक्सी बोर्ड बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बना सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरनेट और ओनली मोबाइल पर। एंड्रॉयड मोबाइल होगा आपके पास उस पर, और बिना इंटरनेट के आप फ्लैक्स बोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं आपको पोस्टर कैसे बनाना होगा, कैसे वो क्रिएट करना होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो भैया लाइक ज़रूर कर दें। तो भैया, अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो आएगी आपके पास वो सबसे पहले आपके पास आ सके, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि भैया, ऐसा नहीं कि आपको लिंक दे दिया तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे और आप उसको यूज़ कर लोगे। भैया, यूज़ नहीं होगी आप पे वो। एक बार पहले देख लीजिएगा कैसे वो यूज़ करनी है, तभी आप उसको यूज़ करिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका हद से 3 से 4 मिनट का ही समय लगेगा, लेकिन आप कुछ समझ जाएंगे तो तभी तो आप अपना फ्लैक्सी बोर्ड तैयार करेंगे, तभी तो आप अपना पोस्टर तैयार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जान लेते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैंने जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, ओपन इसका इंटरफेस कुछ आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कर देना अलाउ। अलाउ कर देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर लिखा क्रिएट कंटिन्यू गैलरी मोर एप्स, तो आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहले से आपने इसको यूज़ कर लिया तो कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो क्रिएट पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं इस पर, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से सेव ओपन हो जाएंगी। तो इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप 3 ऊपर देख रहे हैं, फिर इसके बाद है एल्बम, जो आपकी कलर। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको जान लेते हैं ये क्या, इसके बारे में क्या होने वाला है। तो आप जो 3 ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, इन पर देखेंगे, और फिर जो नीचे के हैं, ये नीचे बचे हुए हैं, इनको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने में ये बहुत KBO में है, न कि MB में, ये तो आप सेकंडों में डाउनलोड कर लोगे। फिर जो डाउनलोड हो जाएंगे, फिर इनके अंदर भी ऑप्शन खुल के आएंगे, वहाँ पर भी देख लेना एक बार। तो चलिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले क्लिक करने के बाद, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, पीछे ऐसी बैकग्राउंड लगा लेते हैं, देखिए जिस तरह से दीवार सी है। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इनका साइज़ देख सकते हैं कि आपको किस साइज़ का ये करनी है, ठीक है ना। इनमें से साइज़ ले लेना है, तो फिर साइज़ ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये साइज़ ले लेता हूँ, आप देख रहे हैं इस तरह की, आपके सामने बहुत वीडियो आई होंगी भैया, जो इनका बैकग्राउंड इस तरह का है, जहाँ तक क्यों मैं समझ रहा हूँ बहुत का है ये, ठीक है ना। फिर इसके लिए आपको एक कर लेना होगा इसका कलर, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आप, जरा ध्यान से देखें इसको। और फिर नीचे जो देख रहे हैं, इनको डाउनलोड कर ले ग्रीन, ये जो कलर है इसमें, इनको आप डाउनलोड कर ले। यहाँ पर देखिए, तो आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। टेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको करना होगा, तो भैया यहाँ पर आपको लिखना होगा जो भी आपको लिखना है। मान लीजिएगा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, सपोज कीजिए मैं अपने चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ, या फिर आप जो भी आपको अपना पोस्टर पर ना अपना नाम लिखना है, अपना जो भी आपको फ्लैक्स बोर्ड बनाना है, जो भी आपको लिखना हो वो लिख लेना होगा। चलिए, मैं मान लीजिएगा यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, मैं यहाँ पर इसको सिंपली अप्लाई करने वाला हूँ। अप्लाई करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर आपको करना होगा इसको, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है साइज़, साइज़ कर सकते हैं इसका छोटा बड़ा, जिस तरह आपसे चाहे इस तरह से इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, जी हाँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप रोटेट भी कर सकते हैं इसको, अगर आप रोटेट करना चाहते हैं। फिर नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके फाउंट हैं, ये फाउंट भी इनको कर सकते हैं, जौन सा आप फाउंट चाहे वो फाउंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फाउंट आपको इतने मिल जाएंगे कि भैया करते करते आप थक जाओगे, इतने फाउंट मिलेंगे यहाँ पर आपको। उसके बाद जो नीचे है कलर, कलर पर इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपको अपना कलर कर लेना होगा। कलर जैसे ही यहाँ पर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ पीला, तो मैंने यहाँ पर पीला किया, और पीला करने के बाद मैं फुल पीला कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो मैंने फुल पीला करने के बाद नीचे हुआ है शेडो कर लेंगे इसकी, जैसी भी हमको शेडो करनी है इसकी। जैसे यहाँ पर आपको बॉक्स बना हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करके देखेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आता है बैकग्राउंड और फिर आता है इमेज। तो बैकग्राउंड में आप अपना खुद का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और अगर आपको बाहर इमेज लगाना है बराबर में या ऊपर नीचे, तो वो इमेज लगा सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में लगाना चाहिए बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज लगा कर दिखाता हूँ। बैकग्राउंड में यहाँ पर कर लें होगा इमेज अपना, इस तरह से इमेज लगा लेंगे हमारी, आप देख रहे हैं इनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। इनको ऑन करके देख लेंगे। फिर मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यहाँ से अगर आप इन पर क्लिक करते हैं, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लगा सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से मौसम अनुसार लग जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जनवरी पर ही क्लिक किया, और जनवरी पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप इसके थोड़ा बहुत कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, कलर यहाँ पर चेंज होते नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर ये थोड़ा ग्रीन टाइप का हो गया देखिए, तो यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह का चाहें, क्योंकि जनवरी में हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी धूप आती है ना, तो इस तरह से हल्की हल्की दिखा रहा है। फिर आपको अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के बाद सिंपली आपका फ़ोटो अगर तैयार हो जाता है तो आपको राइट के कॉर्नर पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इसको आप शेयर कर सकते हो। मान लीजिएगा यहाँ पर आप अगर आपको काटना है, निकालना है गैलरी में, या आपको फिर इसी ऐप्स में सेव करना है, तो मुझे तो करना है गैलरी में, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करूँगा अपना फ़ोटो लगाने के बाद। यहाँ पर इसको अपना शेयर करता हूँ। शेयर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कर देना होगा लेटर, और फिर आपको देखना होगा कि आपको शेयर करना है कि यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जिस चाहे थे उस चीज़ से शेयर हो जाते, तो ऊपर शेयर का ऑप्शन है उस पर शेयर करके शेयर कर दें, और बस हो गया, आप अपनी गैलरी में इसको देख ले। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो बहुत समय लगा मेरे भाई इस वीडियो को बनाने में, तो यार लाइक तो बनता ही आप लोगों की वजह से, तो प्लीज़ भैया आपकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक तो ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट में बताएं, और चैनल को अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब, भैया लाइक ज़रूर करें यार, क्योंकि बहुत समय लगा मेरे भाई इस वीडियो को बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।